बहुत सारे भाइयों का दिमाग जो है टेंशन में होता है, और टेंशन में रहने की वजह क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और यही बता दूंगा कि आपको क्या करना है जिससे आपका ये टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाए। जी हाँ, आपका पहला टेंशन जो होता है वो ये होता है कि मेरे चैनल पे 30,000, 50,000, 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं, मेरे कई वीडियो पे लाखों लाखों के व्यूवर्स हैं, मगर मेरे चैनल पे इतनी आमदनी क्यों नहीं हो रही है जो कि मैं सोच के चला था इस चैनल को चलाने से पहले कि महीने का मैं 30,000, 50,000, 1,00,000 रुपये कमाऊँगा, बट ऐसा नहीं हो रहा। क्या रीजन है? और मेरे चैनल के व्यूवर्स दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो जी हाँ, वो करते है कि वो अपने माइंड को किसी और के YouTube चैनलों से गणना करते हैं, मिलाते हैं, और वो सोचने लगते हैं कि उस चैनल पे व्यूवर्स अच्छे आ रहे हैं, उस कैटेगरी को अपने चैनल पे लाना चाहिए, अगर मैं भी ऐसा वीडियोस बना के अपलोड करता रहूं तो मेरे भी चैनल के वीडियो वायरल होंगे, मेरे भी आमदनी अच्छी होगी, एड बहुत अच्छे आएंगे, मगर वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। और कुछ लोग ऐसा कर भी लेते हैं, करने के साथ साथ उनको घाटा ही दिखता है। और घाटा होता कैसे? ऐसे होता है कि जब वो अपनी चैनल की कंटेंट टॉपिक को चेंज करते हैं तो वहाँ पे उनके व्यूवर्स और भी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप इस टेंशन से मुक्ति पा लें। जय दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोंटी, आपका चैनल ओके टेक में स्वागत है, वेलकम है। जय दोस्तों, आप इन टेंशनों से दूर होने के लिए जो सोच लगा के चले हैं कि मैं उसके टॉपिक वाला वीडियो बनाऊं, उसके टॉपिक वाले वीडियो बनाकर अपने चैनल के टॉपिक को चेंज करूं ताकि उसके जैसे व्यूवर्स और उसके जैसे आमदनी मुझे भी होने लगे, तो दोस्तों आप ऐसा करने से पहले ये सोच लीजिए कि आपका व्यूवर्स कम ही जाएगा। जी हाँ, मान के चलिए जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए कि आप कॉमेडी वीडियोस पे काम कर रहे हैं, कॉमेडी वीडियो की भी कई कैटेगरी होती है, जिसमें कैटेगरी होती है कि साइलेंट मूड में कॉमेडी बनाते हैं, और कोई होता है कॉमेडी की अपने गेटअप को चेंज कर करके बनाते हैं, कई कॉमेडी ऐसे होते हैं कि ग्रुप के साथ मिलके बनाते हैं, टॉपिक पे अलग अलग ये कॉमेडी के वीडियोज़ होते हैं, आप उस पर वर्क कर रहे हैं, मान के चलिए कि आप गेटअप को चेंज करके वीडियो बनाते हैं और 1-2 साल से बनाते हुए आ रहे हैं, आपके चैनल पे 30,000 से 1,00,000 के बीच सब्सक्राइबर हो गया, एग्जांपल कि आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर है, बट आपके आमदनी कितनी हो रही है? महीने का 10,000 रुपये, महीने का 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000। आप दुखी हैं कि हमको क्या करना चाहिए? आप कहते हैं कि साइलेंट वाले वीडियो की टॉपिक मैं बनाऊं, अगर वैसे साइलेंट हो के तो मुझे आमदनी अच्छी हो क्योंकि उस पर व्यूवर ज़्यादा आता है। फिर आप ये सोचते हैं कि ग्रुप, 2-4 लड़कों का ग्रुप लेके मैं कॉमेडी वीडियो बनाऊं, उस पर भी बहुत अच्छे व्यूवर्स आते हैं, उसकी भी आमदनी अच्छी होती है, तो मैं ये करूं? आप क्या करते हैं कि एक दिन ऐसा आता है कि आप साइलेंट वीडियो को बनाने लगते हैं, कॉमेडी के जो साइलेंट वीडियो है, जैसे कोई कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी खींच दिया, आगे वाला गिर गया, आपका दिमाग जाता है। आप क्या करते हैं कि एक बार वो शुरू कर देते हैं, 2-4-5-10 वीडियो डालते हैं, बट वहां आपके पीछे के कंटेंट, पीछे के वीडियो से कम व्यूवर्स आने लगते हैं। बिल्कुल सही, वहां पे कम आना ही आना है, क्योंकि जहां पे आपका 1,00,000 सब्सक्राइबर है, वो 1,00,000 सब्सक्राइबर आपके साइलेंट वीडियो को देखने वाले नहीं है। जी हाँ, आपके साइलेंट वीडियो को नहीं, बल्कि आप जो गेटअप चेंज करके वीडियोस बनाते रहे हैं उसको देख के आने वाले सब्सक्राइबर हैं। तो वहां पे क्या, आपके सब्सक्राइबर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये साइलेंट में आ गया, और साइलेंट वाला वीडियो जब आप बनाते हैं तो इतने परफेक्ट नहीं बना पाते हैं क्योंकि आप उसमें मंजे हुए नहीं हैं, सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि मैं उस वीडियो को खड़ा कर दिया, मगर यहां पे आपकी सोच में नमी आ जाती है, आप वो कंटेंट को नहीं निकाल पाते जो कि गेटअप चेंज करके निकालते थे, तो वहां पे आपके सब्सक्राइबर कम होने लगते हैं, टैग चेंज होते हैं, आपके टाइटल भी चेंज हो जाते हैं, डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो जाता है, और वहां पे आप पूरी तरीके से इंटरटेन नहीं दे पाते हैं अपने पिछले सब्सक्राइबर को। तो यहां पे आपको स्टार्टिंग पे वीडियो अपलोड जब करते हैं तो वहां पे हमें सब्सक्राइबरों का वॉच टाइम और व्यूवर्स मिलता है, वो मिलने से रहा, वो नहीं मिल पाता है, तो वहां पे जब आप साइलेंट वीडियो बनाने लगे तो आपकी व्यूवर्स और
कम होने लगता है, राइट। तो वहां पे आपको घाटे नजर आने लगते हैं। जहां आप महीने का 10,000 कमा रहे थे वहां पे आप 2,000 पे आ जाएंगे। तो प्लीज आपको ऐसा करना होगा कि आप जो कंटेंट को बना रहे हैं उसी को बनाने में और सुंदरता लाइए और क्वालिटी लाइए और उसकी शेयरिंग को बढ़ाइए, ताकि आपके उस कंटेंट को लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा देखने की कोशिश करें आपके सब्सक्राइबर जो पहले से बंधे हुए हैं, और वो जाकर सजेस्ट हो किसी और वीडियो में, तो उसी को और आप फिल्टर कीजिए। आपका एक ऐसा करने का पॉइंट बता दिया, अब सेकेंड बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि उस टॉपिक को चेंज करके साइलेंट वाले टॉपिक को मैं लेकर आऊं, तो उसमें आपको करना क्या होगा कि धैर्य रखना पड़ेगा, आपका बैक सपोर्ट होना चाहिए। यानी कि बैक सपोर्ट की अगर आपको लॉस हो रहा है 6 महीने, तो उसको आप भरपाई करने के लिए कहीं से आपका आ रहा है, ऐसा आ रहा है तो करना पड़ेगा। अगर आप साइलेंट वाले वीडियो को लगता है कि यार 2 बनाया तो थोड़ा सा मैं क्वालिटी नहीं दे पाया, अब 10 बना लिया मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और आपको लग रहा है कि जो गेटअप चेंज करके बनाता था मैं 1-1.5 साल में उसको अच्छे से नहीं बना पाया, इसको मैं 6 महीने में अच्छे से अच्छा बना सकता हूँ, अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ, तो आप इस पर लग जाइए। मगर इतना मान के चलिए कि आपकी जो आमदनी है वो घटेगी, आपके व्यूवर्स घटेंगे, आपके ऐड घटेंगे। जी हाँ, अगर आप घाटा सह सकते हैं तो दिल लगा के इसी नए टॉपिक पे काम कीजिए, मगर रेगुलर करना पड़ेगा। कहीं चेंजिंग में डबाडोल, कभी कभी गेटअप वाले, कभी आप साइलेंट वाले, गेटअप वाले साइलेंट वाले करेंगे तो आपका चैनल हो जाएगा खत्म। अगर आप चेंज कर रहे हैं तो बिल्कुल दिमाग में सोच के चलिए कि आप उसको अच्छा से अच्छा कर सकते हैं और चेंज करके इसको लॉन्ग टाइम तक चलाएंगे, तब तो चेंज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत लॉस होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं एक चैनल पे प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिकल किया, उस टाइम मेरे उस चैनल का 6 लाख सब्सक्राइबर था, मगर जब मैं कंटेंट और टॉपिक चेंज किया तो आपको क्या बताऊं, जहाँ पे पुराने टॉपिक पे मेरे मिलियंस व्यूवर्स आते थे वहाँ पे मुझे 500 और 1000 व्यूवर्स आने लगे, तो मुझे लॉस सहना पड़ा और अभी भी सहता हूँ उस चैनल का। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये बिल्कुल फैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आपको लगता है कि आप नुकसान सह सकते हैं टॉपिक चेंज करके, तो आपको एक और काम करना होगा। आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं, देन उसको दिल से लगन से कीजिए, उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिकल कीजिए, बहुत सारी, और साथ ही साथ एक चैनल और ओपन कर लीजिए। जी हाँ, जब आपको टॉपिक ही चेंज करना है तो एक चैनल और बना लीजिए, उस चैनल पे भी कंटिन्यू ध्यान दीजिए जिससे इस चैनल पे। अगर आप साइलेंट पे ही ध्यान देना चाहते हैं तो साइलेंट पुराने चैनल पे भी अपलोड कीजिए और नए पे भी अपलोड कीजिए, 2 वीडियो अपलोड कीजिए। टाइमिंग बना लीजिए कि आपको किस टाइम में वीडियो अपलोड करना है। अगर वैसे वीडियो रोज़ का एक नहीं भी देंगे तो चलेगा, एक दिन बीच लगा के देंगे तो भी चलेगा, मगर दोनों पे एक दिन बीच करके चलाते रहिए। तो ऐसे में आप, हो सकता है कि 6 महीने में आप ग्रोथ कर जाएं, मगर कभी भी टॉपिक चेंज करने से पहले 100 बार जो सोच ले गया, अगर आप नहीं सोचेंगे तो बहुत ही नुकसान होने वाला है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कहूँगा, और जाते जाते मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप धैर्य रखिए और बिल्कुल जिस पे काम कर रहे हैं उस पे काम कीजिए। जिस चैनल के टॉपिक आप पहले से करते आ रहे हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर है तो मान के चलिए कि आपके 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर एक्टिव हैं जो बेल आइकन घंटी दबाए हैं, तो उनको ध्यान में रख के आप उसमें और भी सुंदरता लाइए, क्वालिटी लाइए, ताकि आपका गेटअप चेंज करने वाला ही वीडियो लोग देखें, और अन्यथा चेंज करेंगे तो आपको वहाँ भी क्वालिटी होगा, तब आके आपका 25,000 सब्सक्राइबर जो एक्टिव है उसमें से 10,000 एक्टिव हो जाएंगे। टाइम लगेगा, आप चेंज कर सकते हैं, टाइम लगेगा, अगर आप टाइम देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर कोई भी कीजिए, एक टॉपिक पे कीजिए, ठीक है दोस्तों, वरना आपको लॉस होने वाला है, और ये लॉस आपका पुराने से भी ज़्यादा हैवी पड़ेगा कि आपकी आमदनी वहाँ पे घटेगी। तो दोस्तों यही है कि 2 चैनल साथ में लेके चलिए, और अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो दोनों पे लगन दिलो दिमाग से और सीख के प्रैक्टिकल के साथ काम करते रहिए। अपने सेटअप को बढ़ाइए, मीन्स कि सेटअप मीन्स कि
सेटअप में आप कंटेंट को तरीके से समझिए, करिए, उसको पेपर वर्क कीजिए, देन उसके बाद आप क्वालिटी का कैमरा रखिए, क्वालिटी का एडिटिंग सॉफ्टवेयर रखिए, काम बिल्कुल परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो आप जो भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं वही काम करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो यही मेरा कहना होगा, अगर आप लोग समझ चुके होंगे तो अच्छा है। मैं इस चैनल पे ओके टेक पे आप लोगों की जानकारी के अनेकों वीडियो लेकर आऊँगा और प्रैक्टिकल किया हुआ वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आपको बहुत सारा मुनाफा होगा, बहुत सारी समझ में आएगी और आप लोग वैसे ही काम करेंगे। सो दोस्तों, अब तक लिए इतना ही। विदा चाहता हूँ, आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके टेक चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे मनोबल को बढ़ाइए। ओके, बाय।